कि आपने देखा कि जो इंडिया गठबंधन है ये एक बेमेल गठबंधन है, और हमने इसको चुनाव से पहले और चुनाव वाले दिन भी देखा कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक दूसरे को नूरा कुश्ती पंजाब में कर रहे हैं। यहाँ पर गठबंधन है, लोगों ने देखा और इनके व्यवहार में भी देखा कि एक दूसरे के साथ इन्होंने सहयोग नहीं किया है, और ऐसा ही परिणाम देखने को भी हमें मिलने वाला है। सर, अगर जीत कर आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या हो? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है वो यही एक सेवक के रूप में काम करने की है, और प्रवीण खंडेलवाल जी ने जो संकल्प चांदनी चौक लोकसभा के लिए लिए हैं उन सभी संकल्पों को पूरा करना, चांदनी चौक लोकसभा के क्षेत्र की जो जनता है उनकी सेवा करना, यही प्राथमिकता है। सर, आज मीडिया के साथ इंटरेक्शन है और आप भी काफ़ी समय से मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मीडिया के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, मीडिया एक हमारे लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है, एक अच्छी भूमिका हमेशा मीडिया निभाता रहा है, और इस चुनाव में भी मीडिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उन्होंने स्वतंत्र रूप से इस चुनाव की कवरेज की है, और कुल मिलाकर इस 85 दिनों के अंदर जो धूप और कड़ी मेहनत प्रत्याशियों ने तो की, साथ ही साथ मीडिया के साथियों ने भी की, तो आज एक ये अनौपचारिक बातचीत के लिए खंडेलवाल जी ने बुलाया था, और मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा कदम है, मीडिया के सहयोगियों का हमेशा ही धन्यवाद करना चाहिए।